मतलब चलिए 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 चलिए, ये देख सकते हैं महिलाओं को ले जाया जा रहा है, महिलाओं को ले जाया जा रहा है। क्या तस्वीर है? भारत 91 आपको तस्वीर दिखा रहा है, ये देख सकते हैं महिलाओं को किस तरह ले जाया जा रहा है। प्रोटेस्ट करने आई ये लोग जो है MIM के, प्रोटेस्ट करने आई ये महिला, इनको भी डिटेन करके ले जाया जा रहा है। प्रॉफिट भारत 91 इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट पे मौजूद है। ये देख सकते हैं दर्शकों, सुबह से ही यहाँ पर सब लोग धरना प्रदर्शन करने आए थे, नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराने आए थे और प्रोफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर शर्मा को जेल भेजने की मांग थी इन लोगों की, लेकिन सबको पुलिस ने डिटेन करके ले गई है और महिलाओं को भी डिटेन कर लिया गया है। क्या यही है लोकतंत्र? जो भी अपना मामला, क्या प्रोटेस्ट का अधिकार नहीं है लोगों को? प्रोटेस्ट करने आए लोगों को पुलिस ने डिटेन, जो भी लोग आ रहे हैं सबको पुलिस डिटेन कर रही है। दर्शकों, ये तस्वीरें आप पार्लियामेंट स्ट्रीट की देख सकते हैं, भारत न्यूज 91 आपको ग्राउंड से ये तस्वीरें दिखा रहा है। होता है कार्रवाई हो, हमारे लोग भी माफी मांग लेते तो छोड़ दिया जाए, क्यों जेल भेज दिया जाता है? कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया? किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हमने कहा है कि UAPA के तहत कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग। आखिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जी, उन दो लोगों की वजह से पूरी दुनिया में हलचल है, पूरी दुनिया में मुल्क की बेइज्जती हो रही है, शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आखिर दिल्ली पुलिस उनके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रही है? उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही? तो हमारा जो खास मुतालबा है वो ये कि ये वो दो लोग जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इनको अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट भी UAPA में किया जाए। जब मासूमों को UAPA में डाल सकती है दिल्ली पुलिस, तो ये दो तो वो गुनहगार हैं जिन्होंने मुल्क की इक्तसादी, मुल्क की छवि और ख़ास तौर से पूरी हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान और पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों के दिल आज़ारी की है, इसलिए इनको UAPA के अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कलीम साहब, BJP की तरफ से बयान आया कि हमने उनके ऊपर कार्रवाई करी है, जो फ्रिंज एलिमेंट है, किसी भी नेशनल पार्टी जिसकी हुकूमत हो जी, उसका नेशनल स्पोक्स पर्सन और वो उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बॉडी का मेंबर भी हो, वो फ्रिंज कैसे हो सकता है? दूसरी बात, ये जो फ्रिंज एलिमेंट की बात कही है, ये एक एम्बेसडर ने कही है जिसको कोई राइट नहीं है। एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसको पॉलिटिकल बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये तो एक चाइना का मॉडल है या दूसरे, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ ऐसा होता है, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत, खासतौर से BJP का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो मुतालबा है कि दिल्ली पुलिस इनको UAPA के अंदर में गिरफ्तार करे। दूसरा, जो अभी सुबह सुबह मुझे खबर मिली है वो ये है कि जो लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जी, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR कर ली है जी। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटी से भी हैं, लेकिन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बचाने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR की है। तो हमारा आज हम अभी अपना प्रोटेस्ट हमारा जारी है जी। हमने चूंकि बहुत 4-5 हज़ार पब्लिक हमारे यहाँ इकट्ठी होनी थी जी, हमने सबको रात को ही मैसेज कर दिया था कि हमारी प्रोग्राम, ये इन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी है, इसलिए हमारे खास जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ आए हुए हैं और हम अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराएंगे और ज्ञापन भी देंगे। क्या जवाब तो उठा के दिया जाएगा ना? आप बताइए, जमीन से उठा के कैसे मारा जाता है? वो जमीन से उठा के, जब एक तरफ से पुलिस भी मिली हुई है और दंगाई भी है और वो मार रहे हैं पत्थर, वरना तो नमाज लोग पढ़ने गए थे, नमाज पढ़ के लौट रहे थे, उन पर पथराव किया गया और हर जगह यही किया जा रहा था। अब जब दिल्ली में दंगा हुआ तो यहाँ भी वही किया गया और उसके बाद एक तरफा जो है तस्वीर दिखाई जाती है, दोनों तरफ की तस्वीर दिखाई जाए तो पता चल जाए कि सच्चाई क्या है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल, पता क्या, दुनिया जानती है और ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये नई चीज़ नहीं है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और इसीलिए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज साहब बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई बंद की जाए
और जो असल गुनहगार है, जो मुजरिम है, और सबसे बड़े मुजरिम तो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल है। इनको माफी मांग तो रही है, माफी से क्या होता है, कार्रवाई हो, हमारे लोग भी माफी मांग लेते तो छोड़ दिया जाए, क्यों जेल भेज दिया जाता है? कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हमने कहा है कि यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। अदरवाइज आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा सर, ये नोटिफिकेशन किया जाएगा, आप सभी को नोटिस किया जाता है, आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए। बोलना चाहिए, वही तो मैं बता रहा हूँ कि पूरे इंडिया के लिए, नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए वो आइडियल मानते हैं उनको, मुस्लिम उनको। शहनवाज क्यों नहीं बोलता है सर? शहनवाज तो बीजेपी की ही पार्टी के लोग हैं। तो धर्म के साथ समझौता? बिल्कुल समझौता कर रहे हैं वो लोग, हम लोग समझौता करने वाले नहीं है, बिल्कुल हम सड़कों पे निकलेंगे, जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। यहाँ ही नहीं, हम यूपी में भी करेंगे, हम हर जगह करेंगे, हमारा आवाज नहीं रोक सकते हैं लोग। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से डिटेन कर लिया जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी की शान में, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को, नबी की प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ धरना करने ये लोग आए थे यहाँ पर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें किस तरह डिटेन कर लेते हैं, ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह डिटेन करते हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह कलीमुल हफेज को देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह डिटेन कर लिया जाता है, देख सकते हैं। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष एमआईएम के अध्यक्ष कलीमुल हफीज को भी डिटेन कर लिया गया है, ये तस्वीरें भारत न्यूज 91 आपको दर्शकों यहां से दिखा रहा है, ये तस्वीरें देख सकते हैं। देख सकते हैं दर्शकों, कलीमुल हफीज दिल्ली प्रदेश के एमआईएम के अध्यक्ष को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट में ये आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोफेट मोहम्मद की शान में नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की है अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, इस बात को लेकर खासा नाराजगी का इजहार किया इन लोगों ने यहाँ आकर, और एफआईआर करा रहे नुपुर शर्मा के खिलाफ। हाँ। और हमें रास्ते में जाने भी नहीं दिया, थाने तक हमें पहले ही पकड़ कर बस में भेज दिया, बैठा दिया जबरदस्ती पुलिस ने। मैं लीगल सेल का इंचार्ज हूँ इनका, एमआईएम का। अच्छा। हाँ। आज आप ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ के दिल्ली के सदर खुद पहुँचे थे और उनके तमाम समर्थक साथ में पहुँचे, उसके बावजूद उनको यहाँ पर परमिशन नहीं मिली और उनकी गिरफ्तारी हो गई, कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, मैं यहाँ पहुँचा हूँ अभी और जैसे मुझे पता चला है आप मीडिया के थ्रू के जो कलीमुल हफीज साहब हैं जो दिल्ली के एएम के अध्यक्ष हैं, उनको जो है पुलिस जो है अरेस्ट करके ले गई है, डिटेन करके ले गई है, और अभी ये नहीं पता है कौन से थाने में लेके गई है, और इसके बाद अभी हम अपना आगे अप्रोच करेंगे, जो भी कानूनी कार्यवाही है उनको क्यों डिटेन किया गया है, किस वजह से डिटेन किया गया है, क्योंकि अगर सिर्फ वो एक धरना करने यहाँ पर आए हैं, एक अपना संवैधानिक अधिकार है उसको जो है इस्तेमाल करने आए हैं और अपना गुस्सा एंगर दिखाने आए हैं, और वो ऐसी जगह पर करने आए हैं जहाँ धरने ही के लिए ये जगह जंतर मंतर मशहूर है और देश के संविधान की जो है ये बैकबोन है यहाँ, और यहाँ से अगर पुलिस जो है वो डिटेन करके ले जाती है सिर्फ इसलिए कि उनको जो है यहाँ पर धरना करने आए थे, तो ये मैं मानता हूँ कि बेइंतहा गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये दिल्ली पुलिस की, और हम अब आगे जो है कार्रवाई करेंगे लीगल। जी क्या नाम है आपका? मुझे एडवोकेट को भी गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, ये देख सकते हैं तस्वीरें, एमआईएम के लीगल जो है एडवाइजर उनको भी ले जाया जा रहा है, ये देख सकते हैं, वकीलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, वकीलों को भी एमआईएम के दिल्ली के लीगल एडवाइजर जो है उनको भी ले जाया जा रहा है यहाँ पर डिटेन करके, पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, क्यों ले जा रहे हैं आप? पता नहीं क्यों ले जाया जा रहा है।
पूछ रहा हूँ उनको क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं दिल्ली पुलिस किस तरह घसीट कर ले जा रही है। देख सकते हैं थाने के अंदर मतलब चलिए ये देख सकते हैं महिलाओं को भी ले जाया जा रहा है, महिलाओं को भी ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें, भारत में 91 आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये देख सकते हैं महिलाओं को किस तरह ले जाया जा रहा है। प्रोटेस्ट करने आई ये लोग जो है MIM के प्रोटेस्ट करने आई ये महिला, इनको भी डिटेन करके ले जाया जा रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्तागी करने वाले नुपुर शर्मा के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज कराने आई महिला, इनको भी गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस ले गई है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग आ रहे प्रोटेस्ट करने के लिए सबको डिटेन कर लिया जा रहा है। ये देख सकते हैं डिटेन करने की तैयारी दिल्ली पुलिस की जारी है। जो भी प्रोफेट मोहम्मद किसान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराने यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट आ रहे हैं सबको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से ये देख सकते हैं किस तरीके से पकड़ के ले जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं जो भी लोग आ रहे हैं सबको डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस। MIM के जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सबको दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है। ये देख सकते हैं ले जाया जा रहा है, इनको जो है यहाँ पर सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाए। किस तरीके से दिल्ली पुलिस ले जाया जा रहा है, ये देख सकते हैं किस तरीके से ले जाया जा रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं सबको अरेस्ट कर रहे हैं, सबको डिटेन कर रहे हैं दिल्ली पुलिस। दर्शकों ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से घसीट के ले जाया जा रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वाले नुपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराने ये लोग आए थे, लेकिन यहाँ ये देख सकते हैं हालत ये है कि मामला तो दर्ज हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर डिटेन कर लिया जा रहा है।